हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस विद अनीत में आपका स्वागत है। ठीक है स्टूडेंट, तो वही सबसे पहले क्या था, जो एक्सरसाइज 6.2 थी उससे क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। और आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए इसकी जरूरत है नहीं, पर समझाने के लिए क्या है जरूरी है। ठीक है, अभी क्या है कि वो जो पी क्यू और पी आर पर क्रम से ई और एफ स्थित है, इस पे क्या मालूम ई और इस पे क्या है एफ, क्या है स्थित जरूरी का आवेदन में मिला सकते दोनों का पॉइंट है ई और एफ, ये ई और ये। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसमें क्या है, तीन पार्टीशन दे रखे, मतलब तीन क्वेश्चन इसमें दे रखे, एक दो तीन। हमें ये बताना है क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, हमें यहाँ क्या दे रखी है, सारी वैल्यूज हमें क्या दे रखी है, वो ये पीपीटी थ्योरम है नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले करना क्या है, हमें पता है क्या बाय पीपीटी थ्योरम, पीपीटी थ्योरम है ना, यानी कि थेल्स पर में, थेल्स पर में क्या कह रही है भाई, देखो थेल्स पर में के अकॉर्डिंग क्या है, पी ई पी एफ अपॉन कितना है एफ आर, हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब पी की वैल्यू देखो कितनी है, 3.9 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर लिख दो आप। इसके बाद ई क्यू कितना है, 3, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना है, 3.6 सेंटीमीटर, कौन से पी एफ है ना, ये एफ आर कितना है हमारे पास, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, अब अगर ये इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये क्या है, लाइन इसके क्या है पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, पॉइंट हटाई, नीचे क्या होगी, 0। ठीक है, ऐसे कर दो, 39 बटे कितना हो गया, 30, और ये कितना हो गया भाई, 36 बटे 24। अब कट कर दो, 3 से 3 एकम 3, 3 3 9, और ये 3 दशम 30। ठीक है, ये कट कर दो किससे, 12 3 36, और ये 12 2 24। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखो एक बार आ रही है क्या, ये एक बार नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि ए एफ नॉट पैरेलल है नी, क्या है पैरेलल, क्या लिखेंगे, ई एफ नॉट पैरेलल, ऐसे लिख दो, पैरेलल का साइन बना दो है ना, पैरेलल क्या क्यू आर, यानी कि क्या कहते हैं कि ई एफ क्यू आर के समानांतर नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके सेकंड क्या, सेकंड पार्ट पर चलते हैं। देखो इसमें क्या करना है हमें, सेम ऐसे ही है, बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम। तो पी अपॉन, अब देखो बार बार थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इस पार्ट में दिखा दिया, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो ना, थोड़ा क्या करते हैं शॉर्ट करते हैं। देखो पी अपॉन क्यू ई, तो पी कितना है हमारे पास, 4, ये कितना है, ठीक है 4.5। इसके बाद ये कितना आएगा, ये अपॉन ये है नी, 8 बटे कितना 9। अब इसे क्या कर दो आप, ये देखो 4 अपॉन, पॉइंट हटाई ऊपर क्या हो गया, 0 बढ़ा दिया ना, ये कितना हो गया भाई 45, और ये कितना 8 बटे 9, अभी 5 8 40, और ये 5 9 45, 8 बटे 9। तो क्या हो गया, एल एच एस इक्वल टू क्या आ रही है, आर एच एस इक्वल आ रही है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, इन साइड का रेशो इन साइड के रेशो क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ए एफ है नी कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ऐसे लिख दो कन्वर्ज ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं ना कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, मतलब वो है कि थेल्स प्रमेय के क्या है, विलोम से, शॉर्ट में है थेल प्रमेय के विलोम से, आधार आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, पर थेल्स प्रमेय भी लिख सकते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी क्या होगी दोनों स्टूडेंट पैरेलल। ठीक है, तो ई एफ पैरेलल किसके, क्यू आर के, आ रही ना बात समझिए, अगर इनकी साइड का रेशो अगर हमारे पास इक्वल आ गया तो क्या होगी, पैरेलल, अदरवाइज पैरेलल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, फिर वो ये बाय बीपीटी थ्योरम है नहीं,
लिख देना बीपीटी थ्योरम से, है ना, बीपीटी थ्योरम से। तो पी क्यू अपॉन पीई, ठीक है, पी क्यू कितना है, पी अपॉन क्यू ई, और ये पी एफ अपॉन एफ आर। तो भाई वैल्यू पुट कर दो, 1.28 अपॉन क्यू ई कितना है हमारे पास, अच्छा ये तो हमें भाई गिवन है नहीं, पी क्यू पी आर, पी क्यू क्या दे दिया हमें, पी क्यू है ना, अरे कितना है पी ई, अच्छा पूरा दे दिया, ठीक है। तो उसमें कोई नहीं, इसमें क्या करते हैं, वन ऐड करते हैं, नहीं क्या करते हैं, वन ऐड, देखो हमेशा ऐसे भी लिख सकते हैं, एक थ्योरम मैंने आपको बताई थी पी अपॉन, इसमें क्या करेंगे, वन ऐड करेंगे, पी अपॉन पी क्यू, पी अपॉन पी क्यू, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना है पी आर अपॉन, देखो पी अपॉन पी क्यू है नहीं, पी एफ अपॉन, पी एफ अपॉन पी आर, ठीक है। इसे बताऊंगा थोड़ा सा ना, जब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या अच्छे से आपको बताऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो पीई, पीई हमारे पास कितना है 0.18, ठीक है, और ये पी क्यू कितना है मेरे पास 1.28, पी एफ कितना है 0.36 अपॉन, और ये कितना है पी आर 2.56। यहाँ भी देखो दो अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी दो अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी तो पॉइंट है, पॉइंट क्या होगी स्टूडेंट, कैंसिल होगी, अरे 36 और ये कितना है 256। तो क्या कर दो, कट कर दो, देखो कट कैसे करेंगे, इसका हाफ कर दो पहले कितना हो गया 9, और इसका हाफ कर दो कितना 6, और इसका हाफ कितना हो गया 4, इसका हाफ कर दो कितना हो गया 18, है ना, ऐसे कर दो, आप इसे भी कट ना करो, है नहीं, थोड़ा सा क्या करते हैं, देखो आसान तरीका बता दो थोड़ा सा, और ना कितना है 18/128, पॉइंट से पॉइंट यहाँ भी कैंसिल होगी 36/256, आप इसे कट ना करो, ठीक है, बस इसे कट कर दो, इसका हाफ कर दो कितना हो गया 18/128, ठीक है। ये देखो दोनों के आगे इक्वल आ गई, दोनों की जो साइड का रेशो वो क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है स्टूडेंट। अब आप थोड़ा सा ये सोच रहे होंगे कि यार जो बीपीटी थ्योरम है वो तो पी अपॉन क्यू ही होता है, ठीक है, ये पूरी साइड कैसे रख दी। अब इसमें देखो क्या होता है थोड़ा सा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे करते देखते हैं, इसे क्वेश्चन को ना थोड़ा सा क्या करते हैं मिटो, देखो ये क्या है मेरे पास पी ई अपॉन कितना है क्यू ई बराबर, ये कितना है पी एफ अपॉन एफ आर। अब हमें इनकी साइड का रेशो क्या लाना है, इक्वल लाना है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा क्या करना है, पी ई अगर मैं वो साइड क्या कर दूँ, वन ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ वो साइड वन ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे वन ऐड कर दिया, तो पी एफ अपॉन एफ आर, तो वो साइड मैंने क्या कर दिया वन ऐड, तो इसकी मैंने क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो पी ई प्लस कितना हो गया क्यू ई अपॉन कितना क्यू ई, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या है इसे ना थोड़ा सा क्या कर लो, रिवर्स कर लो, है ना, क्या कर लो उल्टा कर लो, क्योंकि मुझे क्या लाना है पी ई लाना है ना, क्या लाना है पी ई, तो क्या होगा क्यू ई अपॉन पी ई, और ये कितना हो गया एफ आर अपॉन पी एफ। अब वो साइड क्या कर दिया मैंने वन ऐड कर दिया, तो इनका क्या ले लिया हमने एलसीएम, ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया पी, यहाँ भी ये कितना हो गया एफ आर प्लस ये कितना हो गया पी एफ अपॉन कितना पी एफ। अब देखो क्यू ई प्लस पी ई है ना, क्यू ई प्लस पी ई किसके बराबर हो गए फ्रेंड पी क्यू के, तो मैंने यहाँ लिख दिया पी क्यू, और ये पी ई एज इट इज, एफ आर प्लस पी एफ, एफ आर प्लस पी एफ ये किसके बराबर हो गए पी आर के, तो क्या हो गया पी आर अपॉन पी एफ, ठीक है। अब देखो अब तुम सोच रहे होगे यार ये पी ऊपर आ रहा है पी क्यू नीचे आ रहा है, तो उनका भी उल्टा कर दो, क्या कर दो रिवर्स कर दो, तो पी ई अपॉन कितना हो जाएगा पी क्यू, और ये पी एफ अपॉन क्यू आर, ठीक है। हालांकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, है ना, जो ये लिखा है कि इसे ऊपर इसे नीचे भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या रिवर्स, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या ये थ्योरम आई है, ठीक है, तो और कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे ही क्या हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।